नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह मामला अब लगभग 1.5 लाख के करीब है। दिल्ली अभी भी रेड जोन में है। दिल्ली में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और दिल्ली से लगे हुए गाजियाबाद में भी कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिसे देखते हुए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया, जिसकी वजह से अभी भी दिल्ली गाजियाबाद के बॉर्डर पर लंबा जाम लगा हुआ है। यह जाम 4 से 5 किलोमीटर तक का बताया जा रहा है। दरअसल गाजियाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया कि अब बॉर्डर को सील कर दिया जाएगा। हालांकि बॉर्डर पहले से भी सील था, लेकिन लॉकडाउन 4 में कुछ छूट दे दी गई थी। इसके बाद अब जब ऑफिसों को खोला गया, खास करके सरकारी ऑफिसों को जब खोला गया, तो उसके बाद लोगों की आवाजाही बढ़ गई। काफी ज्यादा आवाजाही बढ़ने के बाद गाजियाबाद प्रशासन ने यह फैसला लिया कि लॉकडाउन 4 के दौरान अब गाजियाबाद और दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जाएगा। हालांकि पहले जो पास मान्य किए गए थे, उन्हीं पासों को अभी भी मान्य किया गया है, लेकिन अब कुछ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। जैसे अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं या मीडिया कर्मी हैं, तो आप आई कार्ड से आ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, गाजियाबाद में रहते हैं और दिल्ली में नौकरी करते हैं, तो अब आपको ऑफिसों से लिखवाना होगा कि क्या आप 33% वाले जो कैप लगाया गया है सरकार की तरफ से, कि एक दिन एक ऑफिस में सिर्फ 33% एम्प्लॉई ही काम करेंगे, क्या उस गिनती में आ जा पाते हैं। दूसरा बड़ी फेरबदल यह है कि अब जो भी लोग गाजियाबाद में रहते हैं, उन्हें गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए 9 बजे सुबह तक गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुँचना होगा और शाम को 6 बजे के बाद ही फिर उनकी वापसी हो सकेगी। इस दौरान 9 बजे के बाद और 6 बजे से पहले वो गाजियाबाद बॉर्डर को अब क्रॉस नहीं कर सकते। ये भी एक बड़ा नियम है। दरअसल ये तमाम नियमों को इसलिए सख्त किया गया है ताकि गाजियाबाद में कोरोना संक्रमण के मामले ना बढ़े। गाजियाबाद प्रशासन का यह मानना है कि दिल्ली में बढ़ते संक्रमण की वजह से ऐसा लगता है कि अगर लोग लगातार आवाजाही करते रहेंगे तो गाजियाबाद में भी संक्रमण बढ़ता रहेगा।